आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की, जो कि यहाँ पे निकली है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से। गाइज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टाफ का ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए, जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से निकला है। गाइज यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है ये 10th पास कैंडिडेट्स के लिए निकली है, तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे जान लेते हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी निकली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो गाइस यहाँ पे 29 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे निकली है, जिनका गाइस यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है। आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे गाइस यहाँ पे आपकी सैलरी की, तो जो सैलरी है आपकी वो लेवल 2 के अकॉर्डिंग बनेगी। 19,900 से लेकर के आपकी सैलरी यहाँ पे 63,200 तक बनेगी, तो काफी ज्यादा अच्छी सैलरी है। आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताने वाली हूँ। आगे देख लेते हैं गाइज। लास्ट डेट यहाँ पे जो रहेगी एप्लीकेशन सबमिट करने की वो यहाँ पे 15 तारीख रहने वाली है। 15 मार्च 2022 शाम 5 बजे तक आप यहाँ पे इसका जो फॉर्म है उसे सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड से फॉर्म सबमिट होगा, कैसे सबमिट होगा वो भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। आगे देख लेते हैं गाइज। एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट गाइज यहाँ पे 18 से 27 साल गिवन है, और गाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी गिवन है, तो आप इसको भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस की, तो सबसे पहले तो गाइज आपके पास यहाँ पे एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल्स में। दूसरी बात, आपको नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की, यानी कि आपको जो छोटे मोटे माइनर डिफेक्ट्स होते हैं व्हीकल के अंदर उसे यहाँ पे सही करना आना चाहिए, एंड ये आपसे सही भी करवा के देखे जाएंगे। आपका एक टेस्ट भी होगा यहाँ पे। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको लाइट ड्राइवर जो लाइट व्हीकल्स है उसकी ड्राइविंग में भी, और जो हैवी मोटर व्हीकल्स है उनकी भी। एटलीस्ट 3 ईयर्स का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने 10th पास की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो होती है गाइज यहाँ पे जो ये लोग आपको प्रेफर करेंगे। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। 3 ईयर सर्विस एज होम गार्ड और सिविल वॉलंटियर, अगर आपने ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो फिर आपको यहाँ पे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको प्रोबेशन पीरियड के लिए रखा जाएगा 2 साल के लिए। 2 साल के लिए आप प्रोबेशन पीरियड पे होंगे, उसके बाद गाइज आपका यहाँ पे परमानेंट भी आप हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। सिलेक्शन की बात करेंगे तो सिलेक्शन आपका सिंपली यहाँ पे आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका होगा कि आपको भाई मोटर व्हीकल की कितनी जानकारी है। यहाँ पे छोटे मोटे डिफेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे कि भाई आप ये कैसे सही करेंगे, हो सकता है आपसे यहाँ पे कार भी चलवा के देखी जाए। तो यही सिंपल आपका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला है। साथ ही गाइज अब आप फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे, तो आपको कुछ ये फॉर्मेट में फॉर्म होगा वो आपको यहाँ पे फिल करके पूरा यहाँ पे सबमिट करना है। ये यहाँ पे गाइज एड्रेस दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको सबमिट करेंगे, और ये यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए 15 तारीख शाम 5 बजे से पहले। अगर उसके बाद पहुंचता है तो गाइज यहाँ फिर आप आगे की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके लिए आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किए जाएंगे। दोस्तों गाइज आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। साथ ही दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइज PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज है अनअकैडमी आपके ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT, JEE नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए गाइज आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट।